नमस्कार दोस्तों, अभी अभी वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट दोस्तों रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता दें दोस्तों, अब तो ये भी खबर आने लगी है कि जिस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोस्तों भाजपा में शामिल हुए थे, उसी प्रकार से दोस्तों अब पायलट की भी प्लेन लैंडिंग होने वाली है। राजस्थान में भी जल्द ही खेला देखने को मिलेगा और राजस्थान में खेला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर पायलट बाजी पलटते हैं तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बन सकती है। राजस्थान की राजनीति सियासत में उथल पुथल शुरू हो गई है। रविवार की शाम गहलोत ने विधायकों की बैठक ली, जिसके बाद से ही देखा जा रहा है कि एक बार फिर से सचिन पायलट नाराज देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गहलोत के वफादार माने जाने वाले विधायक अपने इस्तीफे सौंपने के लिए रविवार रात विधानसभा सीपी जोशी के निवास पर पहुंच गए। वहीं अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों सचिन पायलट जी और सीपी जोशी का जो नाम है वो सुर्खियां बटोर रहा था, क्योंकि दोस्तों अगर जो कांग्रेस मुख्यमंत्री हैं दोस्तों राजस्थान के वर्तमान अशोक गहलोत, अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और अध्यक्ष बनते हैं, तो दोस्तों देखिए पहले ही राहुल गांधी के द्वारा एक बयान कहा गया था जिसमें दोस्तों बताया गया था कि एक आदमी एक ही पद पर रहेगा। अब ऐसे में दोस्तों अगर जो मुख्यमंत्री गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के, तो दोस्तों सचिन पायलट या सीपी जोशी हैं जो ही मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन साथ ही बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की ओर फोकस कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो प्रदेश की कमान सौंपने के लिए सचिन पहला चेहरा माने जा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के स्वभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि वे सचिन को किनारे कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस किस पर अपना दांव लगाएगी। वहीं पायलट के पक्ष में सहमति अभी भी नहीं बन पा रही है। साथ ही बता दें कि यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट सिंधिया जैसा, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश जैसा जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोस्तों दांव खेला था, उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर पायलट भी अगर दांव खेलते हैं तो बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो सचिन पायलट जी हैं उनके भी बहुत सारे समर्थक हैं, खासतौर से पूर्वी राजस्थान में। साथियों, आप भी कॉमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है नेक्स्ट, वो सीपी जोशी जी अच्छे रहेंगे या सचिन पायलट जी अच्छे रहेंगे। कमेंट बॉक्स में देखिए अपनी राय अवश्य बताएं, ताकि जो भी कमेंट बॉक्स देखें उनको भी पता लग सके कि किसका बहुमत ज़्यादा दिख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आपको नई जानकारी लेकर। हर अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।